नमस्कार फ्रेंड्स, प्रियाज मैजिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको पिज़्ज़ा स्टाइल में ढोकला बनाना बता रही हूँ। देखिएगा इनके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले एक बाउल में हम दही लेंगे। ये मैंने एक कटोरी दही लिया है, इसमें सूजी डालेंगे एक कटोरी और थोड़ा पानी डालेंगे। इन तीनों को हम अच्छे से मिला लेंगे जब तक कि ये एक जैसा लम्स ना रहे हैं और सूजी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसको अच्छे से मिला के इसको रेस्ट होने के लिए रख देंगे लगभग 15 से 20 मिनट। ये सूजी के बैटर को हमने 3 कलर के अंदर डिवाइड कर दिया है, ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन। अब हम इसका आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। एक माइक्रोवेव बाउल हमने लिया है, इसमें हम अच्छे से ऑयलिंग कर देंगे चारों तरफ से। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा इनो डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको माइक्रोवेव बाउल के अंदर डाल देंगे। इसको रख देते हैं। हम 4 मिनट लगाएंगे इसके। ये हमारा एक पार्ट तैयार हो गया है। अब हम इसमें व्हाइट सूजी का पेस्ट डालेंगे, उसी प्रोसेस से उसमें इनो डाल के फिर इसके अंदर डालेंगे हम। लेकिन उससे पहले इसमें ग्रीन चटनी लगाएंगे। देखिएगा इस तरीके से, ये देखिए हमने इसको फैला दिया है। अब हम इसको माइक्रोवेव में फिर 4 मिनट के लिए रखते हैं। ये व्हाइट पार्ट भी हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर ग्रीन पार्ट लगाते हैं, उससे पहले चटनी लगाएंगे। सेम प्रोसेस 4 मिनट के लिए फिर हम इसको लगाएंगे। बनाने के लिए मैं डेसिकेटेड कोकोनट को पानी में 15 मिनट के लिए गला दिया है और एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके हम, अगर आपके पास बने हुए चने की दाल है तब तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल दाल को भी गर्म करके इसको डाल सकते हैं। देखिएगा किस तरीके से ब्राउन जाएगी, तब तक हम इसको ब्राउन होने देंगे। इसके अलावा इसमें काले मिर्च, अदरक और हरी मिर्च, इनको भी ब्राउन हो जाएंगे। इनको फिर बटन चला देंगे। ये ब्राउन हो चुकी है, मिर्ची थोड़ी सीख चुकी है। अब हम इसको मिक्सी के जार में डालते हैं और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे हम इसमें। ये नारियल की चटनी हमारी पिस गई है। फाइनल टच देने के लिए इसमें हम फ्रेश दही को मिलाएंगे हल्के से खट्टेपन के लिए। इस नारियल की चटनी को जब भी आप खाएं तभी इसमें ताजा दही मिला लें, बहुत ही क्रीमी टेस्ट आता है इससे। देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी हो जाती है दही डालने से। इसको आप हल्के हाथों से मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी हमारी बनके तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी बताइएगा, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। बहुत ही अच्छी है और कुछ अलग स्टाइल की है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? इस खमन में हमने राई और मीठा नीम का छौंक लगा के और फिर पिज़्ज़ा की तरह कट करके इसे ब्लेंड किया है। अगर अच्छी लगी आपको मेरी रेसिपी तो ज़रूर बना के देखिएगा। थैंक यू सो मच।